करण जौहर, जिन्हें इंडस्ट्री में नेपोटिज्म का किंग कहा जाता है, वो हमेशा स्टार किड्स को ही लॉन्च करते हैं और अपनी फिल्मों में स्टार किड्स को ही लेना पसंद करते हैं। आलिया भट्ट, वरुण धवन, जानवी कपूर को लॉन्च करने के बाद अब करण जौहर ने नई अनाउंसमेंट कर दी है एक और स्टार किड को लॉन्च करने की। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कई महीनों से सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद करण जौहर पर ये जो इल्ज़ाम है और ज़्यादा गहरे लग गए। और तो और, करण जौहर ने सोशल मीडिया पर सभी स्टार किड्स को अनफॉलो भी कर दिया, जिससे ये उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि अब वो स्टार किड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं, उन्हें फॉलो भी नहीं करते हैं। लेकिन एक बार फिर से करण जौहर की कंपनी ने हाल ही में अनाउंस किया है नए स्टार किड को लॉन्च करने का। बीच में करण की कंपनी की तरफ से ये भी बातें आई थी कि किस तरह से वो कुछ नए चेहरों को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। उनकी नई कंपनी जो उन्होंने बंटी सचदेह के साथ बनाई है, डीसीए स्क्वायर, उसके साथ में कुछ नए चेहरे लॉन्च करने की अनाउंसमेंट करण जौहर ने की थी। चार नए चेहरे करण जौहर की टीम की तरफ से अनाउंस किए गए थे, लेकिन आज करण जौहर ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया है कि वो एक और स्टार किड को लॉन्च करने जा रहे हैं। ये स्टार किड कपूर फैमिली से है, जानवी कपूर और अर्जुन कपूर की कजन शनाया कपूर, जो कि महीप और संजय कपूर की बेटी है, वो करण जौहर के ही प्रोडक्शन हाउस से लॉन्च होने जा रही है। उनकी अनाउंसमेंट आज ही करण जौहर की कंपनी ने की। इनफैक्ट राजीव मसंद, जिन्होंने हाल ही में करण की कंपनी को ज्वाइन किया, उन्होंने ये बात शेयर करते हुए कहा है कि शनाया कपूर अपनी नई जर्नी की शुरुआत करने जा रही है धर्मा प्रोडक्शन के साथ ही, और जुलाई से हम शूटिंग स्टार्ट कर देंगे हमारे इस न्यूएस्ट टैलेंट की। तो करण जौहर की यह अनाउंसमेंट अपने आप में प्रूव करती है कि करण जौहर अभी भी इन स्टार किड्स के शुगर डैडी बन के रहेंगे। इनके लिए करण जौहर का ये प्लेटफॉर्म हमेशा तैयार रहेगा।